जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है और तमाम दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पैसा कम करके ओलंपिक में लगाया जाना चाहिए, जो ओलंपिक खेलने वाले लोग, आप लोगों क्या मानना है? खेल देश का गौरव है, भविष्य है युवाओं का, और जिस तरह नीरज चोपड़ा जी ने देश के गौरव और सम्मान को बढ़ाया है, ओलंपिक में स्वर्ण पदक पाकर देश के नौजवानों के अभिमान को बढ़ाया है, हम उनको दिल से बधाई देते हैं, शुभकामना व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ जो तमाम हमारे खिलाड़ी बंधुओं ने कांस्य पदक या अन्य पदकों को पाकर भारत का मान सम्मान बढ़ाया, इसके लिए भी उनको बधाई और शुभकामना। नहीं, ये जो बात कही जा रही है कि तमाम जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको रोकने, उनको अगर जरूरत जरूरी है तो उनको रोक दिया जाए और खेल के लिए पैसा दिया जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो जितने भी खेलों से को प्रशिक्षण देने वाले जितने भी प्रशिक्षु हैं, आप पता कर लीजिए, 8 महीने से उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 रुपया उनको अनुदान का जो पैसा था, संविदा की जो नौकरी थी उनकी, उनको अब तक पैसा नहीं दिया। बहुत सारे लोग द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हैं, बहुत सारे लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल में जाने का गौरव प्राप्त हुआ। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा की सरकार खिलाड़ियों के प्रति कितना रुचि ले रही है। लेकिन चूंकि समय अभिमान का है, सम्मान का है, इसलिए जो लोग जीत कर आए उनको ढेर सारी बधाई। सर, ये मुझे जिस तरीके से खेल रत्न का नाम बदल करके राजीव गांधी जी के नाम पर हुआ करता था, ध्यानचंद जी के नाम पर कर दिया, क्या लगता है सियासी चाल है या फिर ऐसा? देखिए, आदरणीय राजीव गांधी जी त्याग, समर्पण और बलिदान के एक प्रतिमूर्ति है। आदरणीय राजीव जी ने इस देश को अपने खून से सींचा है, अपने लहू को इस मिट्टी में देश के मान सम्मान को बचाने के लिए अपने लहू को बहाया है। आदरणीय राजीव जी के उस तमाम गाथाओं को, चाहे वो कंप्यूटर युग की शुरुआत हो, पंचायती राज के जनक हो, या पंचायत राज में आरक्षण की जो प्रक्रिया हो उसको लागू करने का काम आदरणीय राजीव गांधी जी ने किया था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।